गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होती है एक फोर साइडेड फिगर, एक ऐसी फिगर जिसके हमारे पास फोर साइड्स होंगी। एंड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कैसी होती है? बंद फिगर। क्लोज क्या होता है? बंद फिगर। Having four straight sides से, जो कि चार हमारे पास straight क्या होता है? सीधी side से बंद की हुई एक ऐसी figure होती है जिसकी four sided होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Quadrilateral। जैसे हमारे पास ये आ गई बेटा, हम इस तरह से बना देते हैं हम, तो ये हमारे पास four sided figure है और एक बंद figure है, इसको हम क्या बोलते हैं? Quadrilateral। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस जैसे हमारे पास ये पेज है बेटा, ये भी हमारे पास क्या है कि प्लेन सरफेस। पेपर्स प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। जो हमारे पास प्लेन पेपर है, प्लेन बोर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पेंसिल से इसे ड्रॉ करते थे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन कर्व। कर्व हमारे पास क्या होता है? कर्व हमारे पास होता है कि कोई भी बंद फिगर, कोई भी बंद आकृति हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व। कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस, एक ऐसी कर्व ऑन प्लेन सरफेस जो प्लेन सरफेस पे बनाई गई है, विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए हुए, विदाउट बिना लिफ्टिंग उठाए हुए पेंसिल, जो बिना पेंसिल उठाए, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन, और किसी भी पोर्शन को दोबारा से पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया, रिट्रेस नहीं किया। अब हमें ये हमारे पास एक फिगर है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए पी सी डी ए। अब हमने इसके लिए क्या किया? लिफ्टिंग, पेंसिल को भी नहीं उठाया, एंड विदाउट ट्रेसिंग, और किसी भी चीज़ को दोबारा से हमने ट्रेस नहीं किया, किसी भी लाइन को दोबारा से रिपीट नहीं किया। इसी तरह से ये हमारे पास भी क्या है कि प्लेन कर्व। ये भी हमारे पास क्या हो गई है कि प्लेन कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन क्लोज कर्व। अभी तक हमने पढ़ा प्लेन कर्व, अब हमारे पास है प्लेन क्लोज कर्व। ये हमारे पास क्लोज कर्व थी, ये हमारे पास ओपन कर्व है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लेन क्लोज कर्व, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। इट इज़ ए प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड, एक ऐसी प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड, जो बंद आकृति की है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? इस सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसे सिंपल क्लोज्ड, एक ऐसी बंद आकृति जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन से। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तीन लाइन से बनी हुई है, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक बंद आकृति, एक क्लोज्ड कर्व है। इसी तरह से ये है बेटा आपके पास। नेक्स्ट है डायगनल्स। ए डायगनल्स इज ए लाइन। हमारे पास डायगनल क्या होता है? ए डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट। डायगनल है जो एक लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जुकेटिव वर्टिसेस, जो दो नॉन कॉन्जुकेटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है या मिलाता है ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन के नॉन कॉन्जुकेटिव क्या होता है? लगातार ना आने वाले। ऐसे वर्टिसेस जो कंटिन्यू, कंजुकेटिव को हम कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ए और सी एग्जांपल दे के बता रखा है। ए और सी आपके पास क्या है? डायगनल्स, एंड बी और डी डायगनल्स। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। ये आपके पास आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में हमारे पास नंबर ऑफ साइडेड और वर्टिसेस थ्री साइडेड होती हैं। थ्री साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी थ्री साइडेड है। फोर साइडेड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास एक फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है फाइव साइडेड पेंटागन, जिसके फाइव साइड होंगे इसको हम बोलेंगे पेंटागन। वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सागन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइडेड सेवन होता है हेप्टागन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑक्टागन जिसकी एट साइड्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्टागन नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन अब हमारे पास टू टाइप्स के पॉलीगन है एक कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन्स नो पोर्शन ऑफ डायगनल्स इज आउटसाइड ऑफ पॉलीगन एक ऐसी पॉलीगन्स जिसके बीच से अगर हम डायगनल ड्रॉ करेंगे तो कोई भी डायगनल आउटसाइड ऑफ पॉलीगन से कि कोई भी डायगनल उनसे पॉलीगन से बाहर नहीं जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन एट लीस्ट वन डायगनल कम से कम एक डायगनल इज आउटसाइड द पॉलीगन पॉलीगन से बाहर ड्रॉ होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कॉनकेव जिसके अंदर अगर हम पॉलीगन के अंदर डायगनल ड्रॉ होगा तो क्या होगी कन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन क्या होगी कि हमारे पास जो फिगर है अगर हम दो पॉइंट्स को होता है क्या है हमारे पास डायगनल की नहीं भी दो वर्टिसेस को मिलाते हैं हम ऐसे वर्टिसेस जो हमारे पास कंटिन्यू नहीं है नॉन कॉन्जुकेटिव वर्टिसेस अब हमारे पास अगर हम इन दोनों वर्टिसेस को मिलाएंगे तो हमारे पास इस फिगर से बाहर आएगा ये डायगनल तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कॉनकेव पॉलीगन नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होती है इक्वी एंगुलर भी होगी एंड इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर क्या होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल एक ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे एंड इक्विलेटरल होता है ऑल साइड्स आर इक्वल ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे एंड सभी साइड्स इक्वल होंगे उसको हम क्या बोल देंगे रेगुलर पॉलीगन नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन इरेगुलर एट लीस्ट वन एंगल कम से कम एक एंगल एंड वन साइड इज डिफरेंट और कम से कम एक साइड डिफरेंट हो फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड ऑफ ए पॉलीगन सभी साइड अदर साइडेड से कम एक एंगल या एक साइड अदर साइडेड से अगर अलग होगी तो डिफरेंट होगी तो हम क्या बोल देंगे उसको इरेगुलर पॉलीगन अब जैसे हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है अब ए बी सी डी रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं देन ए बी इज इक्वल टू सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है बट हमारे पास जो ए बी है क्या वो ए डी के इक्वल है नहीं है इसीलिए ए बी नॉट इक्वल टू ए डी सो इसको हम क्या बोल देंगे इरेगुलर पॉलीगन क्योंकि हमने इसमें कम से एक साइड ऐसी दिखा दी कि जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगी हमारे पास ये इरेगुलर पॉलीगन थैंक यू स्टूडेंट्स